देखिए, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के जॉइंट कमिश्नर नवलिंदर जी आज चालकों के बीच खुद चल के आए और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से जो हमारे 8-9 पॉइंट थे नोट किए हैं और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि 5 से 7 दिन में हम इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। इसमें हमारे बहुत से मुद्दे थे, अलग अलग सेगमेंट के, ऑटो के अलग हैं, टैक्सी के अलग हैं, इकोनॉमिक रेडियो टैक्सी के अलग हैं, ऐप बेस कंपनी के अलग हैं, ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड वो बोल के गए हैं। तो जैसा कि हमें आज थोड़ा सा लग रहा है कि सरकार के अधिकारी कुछ हमारी बातों को सुनेंगे और आगे इस पर कार्रवाई करेंगे, तो नहीं करेंगे तो हम 7 दिन के बाद फिर आ जाएंगे। ये भी अपना घर है, दफ्तर भी अपने, सरकार भी अपनी, अधिकारी भी अपने, कहीं बाहर से तो हम आए नहीं हैं। तो आज हम इसको यहीं स्थगित करेंगे और 7 दिन के बाद हम फिर आएंगे अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो। देखिए, मांगे तो हमारी वैसे तो बहुत सारी थी, मगर 8-9 पॉइंट को नोट किया गया। जैसे कि फिलहाल तो करंट में जो इन्होंने अभी एक लेन लाइन का जो प्रावधान लागू किया, जिसकी वजह से क्या होता है कि छोटे व्हीकल्स यानी कि ऑटो, टैक्सी या स्कूल कैब्स पैसेंजर को लेफ्ट में उतार रहे हैं तो अचानक से ये लोग, इन्फोर्समेंट हो चाहे ट्रैफिक पुलिस हो, आके चालान कर रही है। हालांकि हम किसी पैसेंजर को अगर उतारें या कोई स्कूल का बच्चा है या कोई लेडीज़ महिला है, बीच सड़क में थोड़ी छोड़ेंगे, उसको उतारने के लिए हमें लेफ्ट जाना पड़ेगा। तो ये काफ़ी मुद्दे हैं और हमारे किराए का लेके मुद्दे था। देख, हमारा NCR परमिट जो इकोनॉमिक रेडियो टैक्सी है जो दिल्ली NCR में यहाँ से फ्री है, मतलब 4 राज्यों के 3 राज्यों के समझौते हो गए हैं, पर उसके बावजूद भी वहाँ चालान किए जा रहे हैं। नवलिंदर जी ने बड़े ही सख्ती से कहा है कि हम आज ही आदेश करेंगे और जो भी राज्य के कमिश्नर हैं उनको लेटर भेजेंगे, बाकायदा फ़ोन कॉल करेंगे कि भाई ये गाड़ियों के चलान आप बंद करें, अगर नहीं होंगे तो हम गाज़ियाबाद लालकुआ RTO ऑफिस भी चले जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओला उबर के किराए के लेकर अभी, क्योंकि वो नहीं, पहले हमने बात किया इकोनॉमिक रेडियो टैक्सी का किराया जो 9 साल से नहीं बढ़ा। पहले हम अपना इकोनॉमिक रेडियो टैक्सी का और ओला उबर के बारे में हमने यही बोला कि पहले आप उनका किराया बढ़ाएंगे तब कहीं जाके ऑटो और टैक्सी में लोग बैठेंगे, क्योंकि ओला उबर का किराया आज भी वही ऑटो से कम ही आता है, 9 रुपये, 8 रुपये, 7 रुपये या कहीं खींच लो तो 10 रुपये, जो कि एक स्तर नहीं है, एक स्तर किराया होता है, एक तराजू का होता है ना, ये माप बराबर होता है तो बराबर नहीं है, उससे ज़्यादा तो बात करते हैं। तो अभी जो है आज की सभा धरना हम यहीं पे स्थगित करते हैं, 1 हफ्ते बाद हम फिर यहाँ मिलेंगे अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो। अरे भाई, अगले बार देखिए, जो ज्वाइंट कमिश्नर नवलिंदर जी हैं पढ़े लिखे इंसान हैं, समझदार हैं, और वो जब भी बात करते हैं तो अच्छी बात करते हैं। उन्होंने 4 दिन का समय मांगा है तो इंसानियत के नाते और फ़र्ज के नाते हमें 4 दिन का समय देना चाहिए ताकि वो अपने आला अधिकारियों से बात कर पाएँ। उसके बाद भी अगर कोई डिसीजन नहीं आता तो फिर हम अगले दोबारा यहाँ आ जाएंगे, तो कम से कम 4 दिन हम वेट करेंगे। साथियों, जैसे कि आप लोगों को पता है हमारे परमिट रिन्यूअल में दिक्कतें आ रही थी, उसको आज हमने नवीन जी से शेयर किया है कि जो OTP का जो मेन मुद्दा था, जैसे कि हम गाड़ी अगर तीसरे पर्सन से खरीद लेते हैं और हमारा जो मेन ऑनर है उसके OTP उसके पास जाता है, उसकी समस्या को, 180 की समस्या को लेकर भी आज हमने उनसे बात किया और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस मुद्दे पर मैं आज ही शाम को मीटिंग बुलाकर इस पर बात करूंगा। दूसरी बात, जैसे कि आपको पता है दिल्ली NCR में जो हमारा परमिट जो टैक्स कटता है वो 180 जो टैक्स है, जो काउंटर साइन होते हैं आपका, लगा लो आप जैसे कि गाज़ियाबाद, फरीदाबाद, अलवर और दिल्ली, तो इन्होंने एक आश्वासन दिया है कि जो दिल्ली की गाड़ियां हैं उन्हें भी UP में वही सम्मान मिलेगा जो उनकी गाड़ियों को दिल्ली में मिलता है। उन्होंने ये खुद आज स्वीकार किया है कि मैं बहुत जल्दी 1 से 2 दिन में इस पर एक मीटिंग करता हूँ और ये जो टैक्स की जो प्रक्रिया है ये बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगी और 180 जो गाड़ी है, ठीक है, जो दिल्ली NCR गाड़ी है वो बेरोटो गाड़ी चलेगी। और हमें बहुत अच्छा लगा, आज एक पॉजिटिव मांग को लेकर हम यहाँ आए थे और बहुत सारी मांगों को लेकर इन्होंने आज हमारे आश्वासन भी किया है और लगता है कि हमें उम्मीद है कि लगता है कि बहुत जल्दी हमारी इन बातों पर गौर किया जाएगा और ये सब बातें पूरी होंगी। धन्यवाद। सुमेर अम्बावता।